देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सेशन हमारा टोटली रिलेट करेगा बीजी के डाटाबेस को लेकर, या बीजी के अंदर बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, आज हम डिस्कस करें। सबसे पहले आप लोगों को बैकअप के बारे में पता होना चाहिए, बैकअप क्या होता है। अगर कोई पूछे बैकअप क्या होगे, क्या होता है, तो आप बोलोगे सर बैकअप डाटा की एक कॉपी होती है जो हम लोग संभाल के रखते हैं, कभी फ्यूचर में हमारा डाटा ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बैकअप लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, बैकअप लेते हैं। बीजी के अंदर बैकअप लेने के कई सारे वे हैं। बैकअप समझ में आ गया, अपने डाटा को सही तरीके से रखना, या कभी फ्यूचर में कोई कमी हो जाए उस कमी से बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बैकअप लेते हैं। सर कमी कैसे हो जाना, मेरा डाटा करप्ट हो जाना, सिस्टम में वायरस आ जाना, फाइल का ना मिलना, फाइल का ना ओपन होना, और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। कोई डाटा लेके भाग गया, कोई सिस्टम चोरी हो गया, ऑफिस में आग लग गई हो। डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा काम हमारा उसके अंदर है। हम एक बंदे का ध्यान रख सकते हैं, 50 बंदों का कैसे रख सकते हैं। तो हमें डाटा का क्या लेना होता है, बैकअप लेना होता है टाइम टू टाइम। बहुत से लोग अपने डाटा को इतनी इम्पोर्टेंट देते हैं, वो डेली बेसिस में दिन में एक या दो बार जरूर बैकअप लेके अपने मेल, अपने सर्वर, अपनी पर्सनल पेन ड्राइव के अंदर रखते हैं, कभी फ्यूचर में डाटा खराब हो जाए तो क्या कर लें, वो बैकअप का रिस्टोर कर लें। क्या कर लें, बैकअप को रिस्टोर कर लें। बीजी के अंदर मैं आज आपको सारे तरीके बताऊंगा बीजी के बैकअप के, कि बैकअप किस तरीके से लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक बीजी ऑन करता हूँ। बीजी ऑन करा, पहला तरीका जो बीजी के अंदर बैकअप लेने का आता है वो सबसे ऑन ही है, बैकअप डाटा। क्या है आपका, बैकअप डाटा, और यहाँ आकर अपने डाटा का बैकअप ले सकते हो। जैसे मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का बैकअप लेना है, किसका लेना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का बैकअप लेना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, बैकअप पर आऊँगा, सॉरी बैकअप पर आऊँगा, और जिस कंपनी का मुझे बैकअप लेना हो उस कंपनी को सिलेक्ट करूँगा, और उस कंपनी के बाद यहाँ एक लोकेशन है जिस लोकेशन पे मैं अपने डाटा को बैकअप लेना चाहता हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं जिस फोल्डर, जिस ड्राइव में लेना चाहूँ बैकअप ले सकता हूँ, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो मैं इस फोल्डर पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लोकेशन डेमो के अंदर देता हूँ, और जैसे ही करूँगा तो यहाँ एक टॉपिक आता है सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या आता है, सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, इसको आप क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे तो आपकी कंपनी का बैकअप आ जाएगा। बोले क्या है, बैकअप सक्सेसफुली, क्या हुआ, बैकअप सक्सेसफुली। और एक दिन मैं गुस्से में था, मेरा मालिक मेरी तनख्वाह नहीं दे रहा था, मैंने उसके डाटा को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट। डिलीट मैं कहाँ गया, डिलीट कंपनी पर आया, और यहाँ गया और मैंने डाटा को क्या करा, कंप्लीट करके मैंने उसके डाटा को डिलीट कर दिया। अब उसका डाटा डिलीट हो गया तो वो परेशान हो गया, उसने कहा भाई तू अपनी सैलरी ले जा, लेकिन मेरा क्या दे दे, डाटा दे दे। क्या दे दे, डाटा दे दे। तो उस केस में आप कहाँ जाओगे, बैकअप तो ले लिया, लेकिन आप कहाँ जाओगे, रीस्टोर डाटा। क्या जाओगे, रीस्टोर डाटा। जैसे ही रीस्टोर पर जाओगे, ये कहेगा डाटा कहाँ पड़ा है, मैंने कहा बैकअप डी ड्राइव में, डेमो, ओके ओके, ठीक है, बैकअप रीस्टोर हो गया और जो भी आपका डाटा था वापसी आ गया। तो ये पहला तरीका है बीजी के अंदर बैकअप लेने का। अगर आपको किसी को भी बैकअप लेना है बीजी के अंदर, तो आप इस तरीके से बैकअप ले सकते हैं। लेकिन आजकल हम थोड़े से आलसी हो गए हैं कि हम नहीं चाहते कि डेली बेसिस पर बैकअप लें। ये भी कौन काम करे, हमारा सिस्टम करे, कौन करे, हमारा सिस्टम करे। तो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक बैकअप। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक बैकअप। ऑटोमेटिक बैकअप देने के लिए कहाँ हो गया, आप कन्फिग्रेशन, और यहाँ एक टॉपिक होता है बैकअप कन्फिग्रेशन। इसे बहुत से लोग ऑटोमेटिक बैकअप बोलते हैं। इस पर जाओ, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपका बैकअप, एक होता है नॉर्मल बैकअप, एक होता है FTP बैकअप। इसको भी आप डिस्कस नहीं करेंगे, कभी फ्यूचर में भी आएगा तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ की नीड नहीं पड़ती।
हम किस पर जाएंगे? नॉर्मल बैकअप पे। कहता है कि सर मंडे का बैकअप कहाँ लोगे, ट्यूजडे का बैकअप कहाँ लोगे, वेनेसडे का बैकअप कहाँ लोगे, थर्सडे का बैकअप कहाँ लोगे? मैंने कहा देखो भैया मेरे सिस्टम में एक डी ड्राइव है, डी ड्राइव में तुम एक फोल्डर बनाना डाटा के नाम से, डाटा के अंदर बना देना एक मंडे नाम का फोल्डर। सर दो फोल्डर बनाना, डाटा डाटा के अंदर मंडे। देखो जैसे इंटर करोगे लिख के आएगा क्रिएट फोल्डर, कह रहा है डायरेक्टरी स्पेसिफाई डी ड्राइव डाटा, डाटा के अंदर मंडे, डज नॉट एग्जिट, डू यू वांट टू क्रिएट दिस फोल्डर? यस आई वांट टू क्रिएट दिस फोल्डर। और जैसे ही करूंगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक वो फोल्डर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा। मेरा भी नेट नहीं चल रहा, चला दे। क्लियर है? इसके बाद एक बैकअप क्या आता है, मुझे ट्यूजडे का भी बैकअप लेना है। किसका लेना है? ट्यूजडे का। डाटा के अंदर किस नाम से? ट्यूजडे। फिर मुझे किसका बैकअप लेना है? वेनेसडे का लेना है। फिर मुझे किसका लेना है? फिर किसका बैकअप लेना है? फ्राइडे का। फिर किसका बैकअप लेना है? फिर और फिर प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी। और नीचे को होता है अनफोर्स इनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। अगर आप इस टॉपिक को क्लिक कर दोगे तो वो आपको फोर्स करेगा कि भाई क्या ले लो, बैकअप ले लो, क्या ले लो, बैकअप। जैसे ही क्लोज करोगे तो अपने आप बैकअप चला जाएगा। डू यू वांट टू बैकअप? और आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो डी ड्राइव डाटा के अंदर बैकअप मेरा किसके अंदर चला गया? फ्राइडे। सर ये जो बैकअप गया है क्या ये सर एक दिन का बैकअप गया? नहीं, तुमने जिस समय बैकअप लिया उससे पहले आपने चाहे उसमें 10 साल का काम कराओ 10 साल का बैकअप आ जाएगा। आपने 8 साल का काम करा तो 8 साल का बैकअप आ जाएगा, 15 साल का काम करा तो 15 साल का बैकअप आ जाएगा। एक बार में जब तुम सेव करोगे उससे पहले जो भी लास्ट एंट्री हुई होगी उस तक का सारा डाटा बैकअप में आ जाएगा। क्लियर है? सर आपने फोल्डर अलग अलग क्यों बनाए? देखो अलग अलग फोल्डर बनाने का बेनिफिट ये होता है, कई बार मेरा सिस्टम मंडे को ख़राब हो जाता है या मेरा डाटा मंडे को ख़राब हो जाता है तो मंडे से पहले का पिक कर लूँगा संडे का, संडे को ख़राब हो जाता है तो सैटरडे का पिक कर लूँगा, तो इसलिए बैकअप ले सकते। और अगर आप चाहो तो माई कंप्यूटर में जाकर आप डाटा के अंदर जाकर हमारे बैकअप के अंदर एक डाटा का फोल्डर, और डाटा के अंदर कितने फोल्डर बन गए? 7 फोल्डर, और 7 के अंदर एक फ्राइडे नाम का भी फोल्डर बन गया। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? बैकअप दो तरीके बैकअप के मैंने बताए। तीसरा तरीका बैकअप लेने का क्या होता है, जब आप बीजी को ऑन करते हैं तो बीजी ऑन होने के बाद तुरंत आपको एक लोकेशन मिलती है, आपकी कंपनी कहाँ चल रही है? ई ड्राइव रोहन के अंदर चल रही, और मुझे इसका क्या लेना है? बैकअप लेना है। लेकिन सर मैं सारी कंपनी का एक साथ बैकअप लेना चाहता हूँ, सारी कंपनी का एक साथ बैकअप लेना चाहता हूँ, तो आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, ई ड्राइव में जाएंगे और रोहन नाम का फोल्डर ढूंढेंगे, ये रहा, इसमें सारी तीनों कंपनियाँ थी वो आ गई, तीनों कंपनी को सिलेक्ट करो और क्या कर दो? कॉपी, और जिस लोकेशन में चाहिए आप उस लोकेशन में जाकर बैकअप ले सकते हैं। यहाँ बैकअप बना दो, लिख दो बैकअप, और आज की तारीख जरूर डालना 30/8/2019, और तारीख इस तरीके से लिखना ताकि कोड में बनी रहे और सामने वाले को ये भी ना पता चले कि आपने बैकअप लिया। बहुत से लोग तो इस तरीके से डेट लिख देते हैं और फिर बैकअप को पेस्ट करते हैं ताकि सामने वाले को लगे क्या ये एक कोड है। अगर आप किसी के यहाँ काम करने जा रहे हैं तो आप पहले डाटा का बैकअप ले लें और फिर काम स्टार्ट करें, या हम कभी भी किसी की डाटा के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकअप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हम बैकअप, उसके बाद ही हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं? आगे काम करते हैं, ताकि डाटा खराब हो जाने, डाटा अगर वो खराब करता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं या उसको बोल सकते हैं अगर आपको लगता है डाटा खराब हो गया तो आप पुराना डाटा उठाओ और काम करना स्टार्ट कर दो, या आपको मेरा काम नहीं पसंद आया तो आपको पुराना डाटा पड़ा है उठाओ और काम करो। क्लियर? ये बैकअप के तीन तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बैकअप का चौथा तरीका भी बताऊंगा जो बीजी के अंदर नया बैकअप आया। क्लियर है?
अब हम चौथा तरीका सीखेंगे। चौथा तरीका बीजी के अंदर एक नया तरीका है और जो बीजी के अंदर अभी आया है। बीजी में एक नई ऐप आई है जिसका नाम है बीजी एजेंट। क्या नाम है? बीजी एजेंट। और ये ऐप आपको बीजी की साइट से मिल जाएगी। सर बीजी की साइट कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं बीजी की साइट क्या है, www.bizywin.com। आपको इस साइट पर जाना है। यहाँ से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप आ जाएंगे डाउनलोड सेक्शन। कौन से सेक्शन पर पहुँच जाएंगे? डाउनलोड सेक्शन पर पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद आपको क्या मिलेगी? एक मिलेगी यूटिलिटी। क्या मिलेगी? यूटिलिटी। और यूटिलिटी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जिसका नाम होगा बीजी एजेंट। क्या नाम होगा? बीजी एजेंट। इस एजेंट का मेन काम होता है बैकअप के लिए। किसके लिए काम होता है? बैकअप के लिए। हम ना तो बीजी से बैकअप लेना चाहते हैं ना हम डाटा को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं और बैकअप लेना चाहते हैं। मैं ऑफिस में हूँ या ना हूँ, बैकअप अपने आप सॉफ्टवेयर ले ले या कंप्यूटर ले ले, मुझे फ़ोन करना ना पड़े, बैकअप ना जाए। एक टाइम पीरियड हो बैकअप अपने आप उठे और मेरी मेल पर आ जाए। क्या हो जाए? मेरी मेल पर आ जाए। तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होगा बीजी एजेंट। क्या नाम होगा? बीजी एजेंट। आप इस एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको मिलेगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलेगी आपको? जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी सबसे पहले आपको यहाँ सिलेक्ट करना है सिलेक्ट डाटा टाइप। मैं आपको बता दूँ बीजी के अंदर दो तरह का डाटा टाइप होता है। कितने तरह का डाटा टाइप होता है? दो तरह का डाटा टाइप होता है। क्या हुआ रवि? ठीक है, दो तरह का डाटा टाइप होता है। एक होता है एमएक्स एक्सिस और दूसरा होता है एसक्यूएल। क्या होता है? एसक्यूएल। जितने नॉर्मल होते हैं, सर हमें पता कैसे चलता है हमारा बीजी का डाटा नॉर्मल मोड पर है या एक्सिस मोड पर है? सर पता चल जाएगा जब आप बीजी को ऑन करते हैं। जब आप बीजी को ऑन करते हैं, बीजी ऑन करने के बाद जब कभी आप बीजी मॉडल पर आएँ और जैसे ही बीजी मॉडल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर टाइप मिलेगा। डाटा टाइप हमेशा क्या रहता है? एक्सिस। आप जितनी जगह जॉब करोगे 70% कौन सा? 70% आपको कौन सा डाटा मिलेगा? एक्सिस डाटा मिलेगा। एसक्यूएल डाटाबेस अभी नहीं मिलेगा। एसक्यूएल डाटाबेस अलग तरीके से मिलता है। क्या मिलता है? अलग तरीके से मिलता है। तो आप याद रखना आपका डाटा हमेशा क्या रहेगा? एक्सिस मोड। क्या रहेगा हमेशा? एक्सिस एक डाटाबेस होता है। आप बीजी में काम कर रहे हैं, आप बीजी में काम कर रहे हैं, क्या पता है बीजी का डाटा कहीं ना कहीं तो सेव होता होगा। मैं आपसे कहता हूँ पानी ले आओ भर के, तो आप किसी बोतल में लाते हैं या हाथ में लाते हैं? बोतल में लाते हैं। तो जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसके दो तरीके होते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। हर एप्लीकेशन के दो तरीके होते हैं। एक जो आपको दिखता है उसे बोलते हैं फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। एक होता है बैक एंड। ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये बैक एंड सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? बैक एंड सॉफ्टवेयर। ये जो एक्सिस है क्या है? बैक एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन जो बीजी है ना ये फ्रंट एंड है। क्या है बीजी? जो तुम यहाँ पर कंपनी बनाते हो ये कहीं ना कहीं तो सेफ होती होगी, हवा में तो नहीं सेफ होती होगी। कोई ना कोई तो इसको कैप्चर करता होगा ना, कोई ना कोई कहीं ना छुपा के रखता होगा। आपके व्हाट्सएप का डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, आपकी मेल का डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। वैसे ही जब आप बीजी पर काम करते हो तो बीजी का डाटा भी स्टोर होता है, और वो स्टोर होता है या तो एक्सिस मोड पर या तो फिर कौन सा? एसक्यूएल पर। किस पर? या तो एक्सेल पर या एसक्यूएल पर या फिर एक्सिस पर। जब एसक्यूएल की बात आए, किसकी बात आए? एसक्यूएल की, तो समझ जाना बड़ा डाटा बेस। कितना बड़ा डाटा। और जब एसक्यूएल की बात आए समझ, और नॉर्मल एक्सिस की बात आए तो नॉर्मल डाटा। कौन सा डाटा? नॉर्मल डाटा। क्लियर है? तो आप जहाँ भी जॉब करेंगे मैक्सिमम केसेस में जो आपका डाटा का स्ट्रक्चर रहेगा वो हमेशा कौन सा मोड रहेगा? एक्सिस मोड रहेगा। कौन सा मोड रहेगा? एक्सिस मोड रहेगा। तो आप जनरल पे आओगे, डाटा में क्या सिलेक्ट कर लोगे? एमएक्स एक्सिस मोड ये सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आपकी कंपनी की लोकेशन कहाँ पर है? आपकी कंपनी की लोकेशन कहाँ? तुम्हारी कंपनी कहाँ पर है? ए ड्राइव में रोहन के अंदर है, और हम यहाँ जाके रोहन का पाथ दे देंगे। बस खत्म।
उसके बाद आप यहाँ पूछ रहे हैं सेंड नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल। अब जैसे बैकअप कंप्लीट हो जाए, जैसे बैकअप कंप्लीट हो जाए तो आपके पास क्या आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए। क्या आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका डाटा हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया, बैकअप ले लिया। तो आपको क्या मिल जाए, एक इंटीमेशन मिल जाए। क्या मिल जाए, जैसे आप नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे तो कई बार आपका जब पैसा काटा जाता है तो आपके पास एक OTP आता है। क्यों आता है, वो आपको एक इंटीमेशन देता है कि आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो वैसे हमें क्या चाहिए, नोटिफिकेशन। और जिस मेल आईडी पर चाहिए, नहीं आया, जिस मेल आईडी पर चाहिए बस उस मेल आईडी का नाम टाइप कर दें। जिस मेल आईडी पर बैकअप चाहिए उस मेल आईडी का नाम डाल दें और बस क्या कर दें, सेव कर दें। उसके बाद नीचे आता है SMTP। क्या आता है, SMTP, जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब दो चीज़ों की कनेक्टिविटी बनानी होती है, क्या बनानी होती है, दो चीज़ों की कनेक्टिविटी बनानी होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ऐसे गूगल वालों के पास या जीमेल वालों के पास एक सर्वर है। क्या है, एक सर्वर है जिसका नाम है SMTP, जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको सिलेक्ट करना है और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 465। याहू का 80 होता है, याहू का 80 होता है, रेडिफ का अलग होता है। जो भी पोर्ट होगा, जैसे आप जीमेल लिखोगे या जो भी सर्वर का नाम डालोगे उसके थ्रू वो उठा लेगा पोर्ट। और अगेन मुझे ये वाली मेल को उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है, इसका पासवर्ड जो था वो उठा के यहाँ रख देना है। क्लियर। और मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, डेल। क्या नाम है, डेल PC। क्या नाम है, डेल PC। इसके बाद ये हो गया, इसे सेव कर दें। क्या कर दें, इसे सेव। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके बाद आता है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। क्या आती है, बैकअप। जैसे ही बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे आए तो बैकअप दो तरीके होता है। कह रहा है बैकअप हम जो लेंगे, हम जो बैकअप लेंगे वो लेकर कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर करोगे बैकअप। आप बैकअप कॉपी कर रहे हो, कहीं तो रखोगे ना। तो पूछ रहा है स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप, आपको कंपनी रखनी कहाँ पर। तो मैंने कहा कंपनी कहाँ पर रखनी है, तो यहाँ पर मैंने बोला बैकअप कहाँ पर जाए, डी ड्राइव में, डाटा के अंदर, और डाटा के भी अंदर आराम से करना बंद ना हो जाए। ठीक है, डाटा के अंदर जाए। ठीक है, मैंने बैकअप कहाँ डाल दिया, डी ड्राइव में, डाटा। और यहाँ कह रहा है क्रिएट बैकअप फोल्डर। क्या कोई बैकअप का फोल्डर बनाना है, आप कर सकते हो डेट वाइज और कंपनी वाइज। मुझे बैकअप का फोल्डर बनाओ, क्या बनाओ, हर दिन बैकअप का फोल्डर बनाओ। पहले डेट बनाओ, उसके साथ किसका नाम जोड़ दो, कंपनी। और दूसरा होता है कंपनी डेट वाइज, दूसरा होता है कंपनी डेट वाइज। पहला होता है डेट वाइज और दूसरा होता है कंपनी डेट वाइज। मैंने क्या बोल दिया, डेट वाइज। यहाँ कहते हैं सिलेक्ट कंपनी, क्या बोलता है, सिलेक्ट कंपनी। मैं जैसे ही करूँ, यहाँ होता है ऑल, सिलेक्ट कंपनी में आता है ऑल कंपनी और दूसरा होता है सिलेक्ट कंपनी। बताओ हमारे ई ड्राइव रोहन के अंदर कितने कंपनी थी, तीन। तो हम तीन को फिक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तीन को फिक्स। अब बैकअप कैसे ले, तो इस पर डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे पूछता है संडे बैकअप लेना है, मैंने कहा हाँ। मंडे बैकअप लेना है, हाँ। ट्यूजडे बैकअप लेना है, हाँ। वेनेसडे बैकअप लेना है, हाँ। थर्सडे बैकअप लेना है, हाँ। फ्राइडे लेना है, हाँ। बैकअप हो तो आप किस पर भी क्लिक कर सकते थे, ऑल पर क्लिक कर। के लिए बैकअप का टाइम कितना हो, हम दिन में बैकअप कितनी बार ले सकते हैं, मैक्सिमम 99 टाइम, सॉरी ये तीन बार ले सकते हैं बैकअप। मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं दिन में, एक बार, तीन बार। मैंने कहा देखो भैया पहला बैकअप होना चाहिए सुबह 12 बजे, एक बैकअप होना चाहिए शाम को 6 बजे, और दूसरा बैकअप होना चाहिए 8:10 पे। कितने पर होना चाहिए, 8:10। क्लियर है। रिटेन बैकअप फॉर द डे, जानते रिटेन मतलब होता है कितने दिन तक संभाल के रखना है। हमने कहा बैकअप को 7 दिन तक संभाल के रखो और 7 दिन बाद इसे क्या कर देना, ओवरराइट। क्या कर देना, ओवरराइट। इसको हटाकर नया बैकअप डाल देना, इसको हटाकर नया बैकअप डाल देना। ठीक है, क्लियर।
नमस्ते, उसे क्या कर दो सेव कर। रिटेन बैकअप होता है, आपने बैकअप लिया आज, आपने बैकअप लिया कल, परसों लिया, 7 डेज हो गए। अब फिर अगेन आज मंडे, आज आया फ्राइडे, दोबारा क्या आ गया फ्राइडे, अब बैकअप लेना है। मैंने कहा तू नया फोल्डर मत बना, जो तेरे पास ऑलरेडी बैकअप का बना हुआ था फोल्डर, उसके अंदर जो डाटा था उसको डिलीट कर और नया डाटा पेस्ट कर। उस डाटा को डिलीट कर, जो पुराना 7 दिन का डाटा है नया डाटा को पेस्ट कर दे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा डाटा का साइज बढ़ जाएगा। हर दिन नया नया फोल्डर बनाएंगे तो हमारा एक दिन डाटा खत्म हो जाएगी, हमारी 500 GB की स्टोरेज होगी वो तो खत्म हो जाएगी। समझे नहीं मेरी बात आप? आप समझ रहे? तो वो डिलीट हुआ, वो डिलीट हुआ तो नया बैकअप आया जिसमें पुराना भी जुड़ा हुआ था। जो डाटा डिलीट हुआ उसमें वो तो था ही था, वो 7 दिन जो ऐड हुआ वो हो गया, नया भी आ गया। इसलिए भाई पुराने मतलब बैकअप का यही तो मतलब है कि पुराने को डिलीट कर दो और उसकी जगह नया डाल दो ताकि पुराना प्लस नहीं हो जाए। अगर मान लो मैं आपकी बात कहता हूँ, मेरा डाटा इसके अंदर पड़ा है, ये ई ड्राइव में पड़ा है, सपोज दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो, मेरा डाटा पड़ा है, मैं इसमें 7 दिन से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, मैंने 1 दिन बैकअप लिया और रोहित के अंदर डाल दिया, ये डाटा चला गया। अब मैं किसके अंदर काम कर रहा हूँ? रोहन के अंदर काम कर रहा हूँ, 1 दिन कर रहा हूँ, 2 दिन कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, 4 दिन कर रहा हूँ, 5 दिन कर रहा हूँ, काम करा क्या? इस ये जो नया डाटा ऐड था ये उसके अंदर शामिल है? नहीं शामिल है। क्यों? क्योंकि काम किसके अंदर कर रहा हूँ मैं? रोहन के अंदर। डाटा, नया डाटा किसके अंदर स्टोर हो रहा है? रोहन के अंदर। पुराने डाटा के अंदर कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो पुराने का भी इम्पोर्टेंट खत्म हो गई क्योंकि नया डाटा की इम्पोर्टेंट बन गई। तो हमने कहा पुराने को उठा के नया डाल दो। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पुराने को इसके साथ पेस्ट करेंगे। जब पेस्ट करो तो किसका मैसेज आता है? रिप्लेस का मैसेज आता है। क्यों आता है? कहता है कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पुराना डाटा को, उसे क्या डाल रहा हूँ? नया डाटा। क्लियर? ओके। पुराना रहेगा लेकिन नया भी आ जाएगा। समझ आ गया? रिटेन ओके करो। ऐसे आप सभी पर कर सकते हो। किस पर कर सकते हो? सभी। और एक जैसी कंपनी, एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या करनी है? एक जैसी। तो किस पर क्लिक कर दो? ऑल कंपनी। किस पर क्लिक कर दो? ऑल। और यहाँ शेड्यूल स्टार्ट कर दो सबका, और सभी जितनी कंपनियाँ होंगी सब आ जाएगा। और कितना? 3 बार बैक। क्लियर? ओके कर दो और सेव। क्लियर हो गया बैकअप? अब स्टार्ट कर दो बैकअप नाउ। क्या कर दो? बैकअप नाउ। तो देखो बैकअप लेना, बैकअप कंप्लीट। और क्या आ गई? SMTP की मिसमैच आ गई। क्या आ गई? एरर आ गई। क्लियर? सर ये तो कंप्लीट हो गया, ये हमें समझ भी आ गया, लेकिन सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही हमारे पास? देखिए अगर आप अपनी मेल आईडी वहाँ डालते हैं, क्या करते हैं? अपनी मेल आईडी डालते हैं, तो अपनी मेल आईडी को लॉगिन करने के बाद, आपको एक सेटिंग करनी होगी जिसका नाम होता है अकाउंट सेटिंग। क्या होता है? अकाउंट सेटिंग। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास क्या आ जाए? नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके लिए कहाँ जाओगे? अकाउंट्स के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर, यहाँ से एक मिलती है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, इसे क्या कर लेना? ऑन। बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, इसे क्या कर लेना? ऑन कर लेना। तो आपका जो भी बैकअप होगा वो इजीली तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? तो हर दिन देखो, आप मेरा डाटा खोल के देखो, मैंने अपनी कंपनी का ऐसा बैकअप सेट कर रखा है कि 6:30 बजे मेरे पास ऑटोमेटिक बैकअप आ जाता है। अभी देखो आज भी आया है, बिजी 30 अगस्त है, कितनी अगस्त है? 30 अगस्त। 3 बजे बैकअप आया, उसके बाद 6 बजे बैकअप आ गया। कितने बजे आ गया? 6 बजे बैकअप आ गया। क्लियर है? तो ऐसे मेरे पास बैकअप आता रहता है। क्लियर? और दूसरी बात यह है कि अगर ये बैकअप चलता भी रहे, मेरा सिस्टम ऑन है, ऑफ है, जैसे सिस्टम ऑन होगा बैकअप ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्लियर? ये आज जो क्लास मैंने आपको दी है ये बैकअप से रिलेटेड क्लास है। किससे रिलेटेड है? बैकअप से रिलेटेड।
आप कहीं भी जॉब करते हो आपको 2 दिन 4 दिन में बैकअप लेना चाहिए, और जब बैकअप लें तो नया फोल्डर बना कर लें। कौन सा फोल्डर बना के लें? नया फोल्डर बना के लें। क्लियर है? इसे बोलते हैं बैकअप। क्या बोलते हैं इसे हम?